अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज़ की जानिब से मंजूरा कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का ऐलान। दोनों शहरों के पेट्रोल पंप्स पर आवाम का हुजूम। पुलिस की आमद के बाद पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। मखलूआत जायदादों पर तकर्रात के सिलसिले में मनसूबाबंदी की हिदायत। 6 गारंटियों की दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए आवाम का सेंटर्स पर हजूम। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने विजयनगर और सदर मंजिस बैरिस्टर ओवैसी ने याकूतपुरे में मराकज का किया दौरा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में प्रजा पालना को कामयाब बनाने के लिए मसरूफ़। काउंटर्स पर पहुंचकर आवाम से मुलाकात। आवाम की रहनुमाई करने मजलिसी कारकुनों को हिदायत। कांग्रेस और बीआरएस का एक ही डीएनए है। कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात से मुंह फेर गई है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में कई रियासतों में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के ऐलान के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वाक़े पेट्रोल पंप्स पर आवाम का हुजूम देखा गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप्स के मालिकान ने अपने बैंक्स बंद कर दिए। तफसीलात के मुताबिक मरकज़ की जानिब से हालिया अरसे में मंजूर किए गए एक क़ानून के ख़िलाफ़ ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी, जिसके बायस आवाम में पेट्रोल को लेकर तश्वीश पाई जाती है और लोग अपनी गाड़ियों के टैंक्स फुल करने के सिलसिले में पेट्रोल पंप्स पहुँचे और पंप्स पर इब्तिदा में खतारें देखी गई, जिसके बाद पुलिस भी पहुँच गई और आवाम को काबू में करने के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। तवक्को की जा रही है कि हुकूमत ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन से बात करते हुए मस्कुरा मसले की यकसोई करेगी। पब्लिक फुल हो जा रही, पब्लिक की ज़रूरियात के हिसाब से पब्लिक जो है अपने कामों के लिए पेट्रोल के वास्ते आके दो दो घंटे एक एक घंटा ठहर कर पेट्रोल धरा रही। ये सही है, न्यूज़ नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हर एक जना हर एक की न्यूज़ सुन के आके पंपे ठहर के अपना टाइम वेस्ट करके पेट्रोल डला रहा। कहीं पंपे तो पेट्रोल ही नहीं है। अब ये सही है नहीं है किसी को कुछ भी नहीं मालूम। इसका आखिर है क्या कोई? अगर रिव्यू सही तरीके से दिए तो पब्लिक को मालूम होता कि भाई पेट्रोल का स्ट्राइक है या कहीं का स्ट्राइक है। किसी के ज़रिए आप अगर रिवाइव दिए तो हम लोग को भी सहूलत होती, क्योंकि हर एक जना अपने अपने कामों के हिसाब से पेट्रोल की ज़रूरियात आजकल हर एक को हो गई है। अब इसके हिसाब से आप लोग जो है कहीं कोई जो बड़े मिनिस्टर्स है वो लोग अगर रिव्यू दिए तो पब्लिक को एक सहूलत हो जाती कि हाँ भाई पंप बंद है या पेट्रोल बंद है। कोई बोल रहे कि ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कोई बोल रहे कि 8 दिन के लिए पेट्रोल बंद है। अब ये पेट्रोल बंद है नहीं मालूम या ट्रांसपोर्टेशन बंद है नहीं मालूम। कोई अगर रिव्यू दिए तो पब्लिक को एक सहूलत हो जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने तमाम महकमे जात की मखलूआत जायदादों पर तकर्रात करने, कांग्रेस ने असम्बली इंतखाबात में नौजवानों को मुलाजमतें देने और जॉब कैलेंडर जारी करने का जो वादा किया था इसे पूरा करने, इसके अलावा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तहानात का इनेखाद अमल में लाने और ग्रुप 2 इम्तहान की तारीख को खतियत देने के सिलसिले में मुज़ाकरात किए। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को हल्के याकूतपुरे में प्रजा पालना मराकज का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनकी रहनुमाई की। बैरिस्टर ओवैसी ने खुद अपनी निगरानी में आवाम की दरख्वास्त फार्म भी पुर करवाए, जबकि आवाम ने भी बैरिस्टर ओवैसी को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। मजलिस की तरफ से जहाँ भी हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं बैरिस्टर ओवैसी ने इन मराकज का भी मुआयना किया। सदर मजलिस ने हेल्प डेस्क के अमले के अलावा अहदेदारों
को आवाम की मौत से रहनमाई पर जोर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर वैसी की सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान मुखन्ना और कॉरपोरेटर प्रजा पालना प्रोग्राम के आगाज से ही आवाम के दरमियान में है और फार्म्स की दस्तियाबी से लेकर उसे पूर्ण करने के लिए रहनुमाई की जा रही है। मजलिस ने हल्के लोकसभा हैदराबाद के तमाम हल्के जात में हेल्प डेस्क भी कायम की है जिससे आवाम इस्तेफादा कर रही है। कोल्हिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती काम और हुकूमती स्कीमात की अमलावारी के अलावा आवामी भलाई कामों के लिए इकदाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कुशादा किए गए प्रजा पालना के सेंटर्स का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने आवाम से मुलाकात की और उन्हें मस्कुरा स्कीमात से इस्तेफादे के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की भी तरगीब दी। उन्होंने आवाम से अपील की कि आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लाएं। वालेकुम। आज ये प्रजा पालने के प्रोग्राम के का जायज़ा लेने मैं मेरे साथ मुकामी कॉरपोरेटर मूसा साहब और साबिका काउंसलर मोइन साहब और तमाम इब्तदाई सदूर मुतमदीन हम नामपल्ली इलाके के अलग अलग काउंटर्स का दौरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का हजूम है और पूरी तरीके जिस तरीके से भी सहूलतें जो फराहम की जा रही है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सहूलतें यहाँ पर फराहम की जाएँ। और ख़ास तौर से मैं आवाम को आपके ज़रिए से ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ख़ास तौर से जो आसिफ नगर हलका है, ये आसिफ नगर हलके में जो दो फंक्शन हॉल में ये प्रजा पालना का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, एक KHK फंक्शन हॉल और एक सिटी फंक्शन हॉल, ये दोनों फंक्शन हॉलों को की सहूलत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दी है। हमने अहदेदार यहाँ से कई काफ़ी दूर पर यह सेंटर्स डाल रहे थे और यहाँ पे कोई अच्छा बड़ा कमेटी हॉल ना होने की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये दो फंक्शन हॉल्स के अखराजात हम उठा रहे हैं ताकि आवाम को ख़ास तौर से किशन नगर की आवाम को, साबे नगर की आवाम को, अली नगर, शहीद नगर की आवाम को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। KHK फंक्शन हॉल और सिटी फंक्शन हॉल की पूरी तौर पर जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठा रही है और ये 6 तारीख तक ये फंक्शन हॉल आवाम की खिदमात के लिए मौजूद रहेंगे और इसके जो भी अखराजात रहेंगे वो इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसे उठाएगी ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके और ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े। मैं आपके ज़रिए से ये भी गुजारिश करता हूँ कि आवाम से कि वह कसीर तादाद में निकलें और यहाँ पर आके अपने दरख्वास्त भरें ताकि आगे जाकर हम हुकूमतों पे दबाव डाल सकें कि हम कोल्हिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमात की अमलावारी के अलावा आवामी भलाई कामों के लिए इकदाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने टोली चौकी तक गुम्बदान खुतुब शाही दौरा करते हुए ट्रैफिक के मसाइल और ठेलाबंदी से ट्रैफिक में होने वाले खलल का जायज़ा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ नगर डिवीजन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने ठेलाबंदी वालों को ताकीद की कि वो ट्रैफिक में खलल का बायस न बने और ट्रैफिक चालानात के हासिल होने से गुरेज करें। बाद हज़ा उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई।
کولہین مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں اور حکومتی اسکیمات کی عمل آوری کے علاوہ عوامی بھلائی کاموں کے لیے بھی اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقے نام پلی محمد ماجد حسین نے گڈی ملکاپور پھول مارکیٹ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کا جائزہ لیا۔ اس سے قبل پھول مارکیٹ کے تارین نے مجلس ہیڈ کوارٹر دارالسلام پہنچ کر اس سلسلے میں نمائندگی کی تھی۔ رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے بتایا کہ جن دکانات کو منہدم کیا گیا تھا دوبارہ ان کی تعمیر کے سلسلے میں ٹھوس نمائندگی کی گئی ہے اور مجلس اس مسئلے کی یکسوئی میں تمام اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے وجے نگر کالونی فٹ بال گراؤنڈ میں قائم پرجا پالنا کے کاؤنٹر کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ گریٹر حیدرآباد میں کانگریس کو ایک بھی نشست حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود کانگریس حکومت حیدرآباد کے ہر مستحق کو 6 ضمانتوں کی ہر اسکیم سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی، کیونکہ ووٹ کا تعلق فلاحی اسکیمات سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ پونم پربھاکر نے بی آر ایس پر الزام عائد کیا کہ وہ کانگریس حکومت کے خلاف جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ کانگریس 6 ضمانتوں پر عمل آواری نہیں کرے گی۔ پونم پربھاکر نے دعویٰ کیا کہ 100 دن کے بعد عوام جان جائے گی کہ کانگریس جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ صدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا نے پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے آخر کار وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کو کانگریس پارٹی میں ضم کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وائی ایس شرمیلا 3 جنوری کو حیدرآباد سے نئی دہلی کے لیے روانہ ہوں گی، جہاں 4 جنوری کو 11 بجے دن صدر آل انڈیا کانگریس ملکارجن کھڑگے سابق صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے وہ اپنی پارٹی کو کانگریس میں ضم کر دیں گی۔ واضح رہے کہ اعلیٰ کمان نے شرمیلا کو تلنگانہ کی ذمہ داری دینے کی بجائے آندھرا پردیش کی سیاست میں سرگرم ہوتے ہوئے وہاں پر کانگریس کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری سونپنے والی ہے۔ صدر ریاستی بی جے پی اور مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس اور بی آر ایس کا ڈی این اے ایک ہی ہے اور صدر بی آر ایس کے چندر شیکھر راؤ کا تعلق کانگریس سے کافی پرانا ہے اور انہوں نے یو پی اے دور اقتدار میں مرکزی وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی تھی۔ کشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی سے اس بات کی وضاحت چاہی ہے کہ وہ کیوں کالیشورم پروجیکٹس کے تعمیری کاموں کی دھاندلیوں کی تحقیقات سی بی آئی کے ذریعے کروانے سے گریز کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ کشن ریڈی نے کانگریس پر الزام عائد کیا کہ یہ کے سی آر سے ان کی دوستی کی وجہ سے ان کی بدعنوانی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ ఇరవై అంశాలలో 11 అంశాలకు మాత్రమే అరకొర సమాధానాలు ఇచ్చారు. చాలా స్పష్టంగా నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ బ్యారేజీ నిర్మాణ సమయంలో చేయాల్సినటువంటి ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ సాయిల్ టెస్ట్ కానీ ఎన్వైరన్మెంటల్ టెస్ట్ కానీ చేయలేదనే విషయము నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ కమిటీ వెల్లడించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కావాలని ఆ వివరాలన్నీ గోప్యంగా ఉంచుతుంది, దాచిపెడతా ఉంది.
తమ అసమర్థత అక్రమాలను కప్పిపుచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది అనే విషయము ఆ రోజు అందరం కూడా పదే పదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పడం జరిగింది నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మీరు సరైనటువంటి వివరాలు ఇవ్వకపోతే ప్రాపర్ గైడెన్స్ మేము ఇవ్వలేకపోతాము కాబట్టి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యూచర్ ప్రొటెక్షన్ కోసము ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడం కోసము మేము అడిగినటువంటి వివరాలు ఇవ్వాలని చెప్పి పదే పదే అథారిటీ అడిగింది మేమందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది ऐवान अहमद वाक़ अंबरपेट में एक शेरी नशिस्त का अहतमाम किया गया जिसकी निगरानी ऐवान अहमद के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने की। इस नशिस्त में शायर जहांगीर ख़ियाज़ प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने खसूसी तौर पर कलाम पेश किया। इस मौके पर हाजरीन के तौर पर शिरकत करने वालों में फ़रहतुल्ला बेग, शफ़ी मास्टर, मोहम्मद अज़ीज़, मोहम्मद रफ़ीक़, अमजद अली, मोहम्मद बहाउद्दीन और मोहम्मद कलीम के अलावा दीगर ने भी शिरकत की और शायरों की जानिब से पेश किए गए कलाम पर दाद भी दी। साइबराबाद पुलिस की जानिब से कमिश्नरेट में नए साल के जश्न के तौर पर तकरीब का अहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती आईपीएस ने तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस मौके पर केक भी काटा गया जबकि नए साल की मुबारकबाद भी दी गई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पुलिस मुलाजमीन को अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मुकम्मल अज़्म और लगन के साथ करनी चाहिए। इस तकरीब में साइबराबाद कमिश्नरेट के आला अहदेदार भी मौजूद थे। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने कंचनबाग पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गांजा मुंतकली के एक रैकेट को बेनकाब किया और उसमें मुलविस चार अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 31.34 किलो गांजा, जुमला मालियती 3,10,000 रुपये ड्रग्स भी बरामद किए। एडिशनल DCP साउथ ईस्ट जोन जी मनोहर ने मीडिया को बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद में शेख अब्दुल फैसल, मोहम्मद समी, मोहम्मद आमिर और हुसना फातिमा शामिल हैं। DCP साउथ ईस्ट जोन जी मनोहर ने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसील भी बताई। गांजा केस रिपोर्ट हुआ, चार आदमी एक व्हीकल में, बुलोनो व्हीकल में फर्ज कर रहे, वो पकड़े। टास्क फोर्स एंड कंचनबाग पुलिस स्टॉप द व्हीकल एंड चार आदमी की पकड़े। इसमें एक कार में 15 पैकेट्स गांजा पकड़े। वो चार आदमी नेमली शेख अब्दुल फैसल, मोहम्मद समी, मोहम्मद अमीर, अस्मा फातिमा, एक लेडी फातिमा, वो अरक आंध्रा से इधर लाया। सो माला देवल पे ऑन द वे
उनको जाने के इधर पकड़े, वो पूरा सीज करे मटेरियल एंड इंक्वायरी चार आदमी डिस्क्लोज करे, वो उड़ीसा से वो ट्रांसपोर्ट करे, वो परचेज करने के इधर वो चार आदमी की कंचनबाग पुलिस ये केस रजिस्टर करे। तो इनसे 31 kg गांजा, 1 blue color बेलूनो, सेल फोन टोटल 3,10,000 का वर्थ सीज करे। वो मटेरियल पूरा 15 पैकेट्स में सीज करे, इनको आज कोर्ट पे प्रोड्यूस करेंगे। सो मेन अक्यूज्ड उड़ीसा में है, इन्हों सेल करे उधर, इनको पकड़ने के टीम्स फॉर्म करे, इनके ऊपर भी बाद में ये केस पीडी एक्ट में लगा देंगे। सो जनरल पब्लिक अपील करे, कोई इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें, वो एक्टिविटीज़ में कुछ आए तो भी पुलिस को इन्फॉर्म देना, दैट इज पुलिस अपील। सो पूरा बीआरएस पार्टी खैरताबाद के रुकने असम्बली डी नागेंद्र के खिलाफ प्रकाश नगर बेगमपेट के बाज़ अफराज ने एहतजाज किया है। हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान प्रकाश नगर बेगमपेट के कुछ अफराद रैली की शक्ल में पहुंचे और उन्होंने बीआरएस के एमएलए डी नागेंद्र पर उनकी अराजी कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया। मुतासरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रुकन असम्बली दानम नागेंद्र और उनके हामी कब्जे में मुलविस है, जबकि मुतासरी ने फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। संतोष नगर में आबी पाइपलाइन के मरम्मती काम के पेश नज़र 3 जनवरी को सुबह 6 बजे से पानी की सरबराही 24 घंटों के तक के लिए बंद रहेगी। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा वाटर सप्लाई फेस 1 पाइपलाइन के मरम्मती काम की वजह से मीरालम, किशनबाग, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, याकूतपुरा, मादना पेट, रियासत नगर, अलियाबाद, बुगलकुंटा, अफजलगंज, नारायणगुड़ा, अडिकमेट, शिवरम रोड, नल्ला कुंटा, चिलकलगुड़ा और दिलसुख नगर में 24 घंटों तक के लिए पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। माधोपुर में वाक़ गर्लफ्रेंड मंदी हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने का वाक़ा पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। आग लगते ही अफरा तफरी देखी गई, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को खबरदार किया है कि हुकूमत की जानिब से ज़ैल इल्तिबा चालानात पर रियायत के सिलसिले में साइबर धोखेबाज फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि फर्जी ट्रैफिक ई चालान वेबसाइट बनाकर आवाम से रकम हड़पने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने सिलसिले बताया कि ई चालान tspolice.in फर्जी वेबसाइट है, ताहम आवाम ई चालान tspolice.gov.in पब्लिक व्यूज पर चालान जमा कर सकते हैं। अगर आवाम किसी भी फर्जी वेबसाइट के बारे में मालूमात रखते हैं तो टोल फ्री नंबर 1930 पर इत्तला दें। तेलंगाना कांग्रेस महिला कायद सुनीता राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन को दी गई मुफ्त बस सर्विस की ज़बरदस्त सताइश की है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने बताया कि महिला कांग्रेस कायदीन ने आरटीसी बसों में सफ़र करते हुए लड़कियों और ख़वातीन से बात की है और उनकी फीडबैक भी हासिल किया था, जो कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के मशकूर हैं। उन्होंने बताया कि अनकरीब तेलंगाना की ख़वातीन के लिए दीगर स्कीमात का भी आगाज़ होगा, जिनमें 2,500 रुपये माहाना के अलावा 500 रुपये सिलेंडर और दीगर स्कीमात शामिल हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, मरकज की जानिब से मंजूरा कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का ऐलान। दोनों शहरों के पेट्रोल पंप्स पर आवाम का हुजूम, पुलिस की आमद के बाद पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए।
वज़ीरे आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास, मखलूआत जायदादों पर तखर्रुआत के सिलसिले में मनसूबाबंदी की हिदायत। 6 गारंटियों की दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए आवाम का सेंटर्स पर हुजूम, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने विजयनगर और सदर मंजिस बैरिस्टर ओवैसी ने याकूतपुरे में मराकज का किया दौरा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में प्रजा पालना को कामयाब बनाने के लिए मसरूफ, काउंटर्स पर पहुंचकर आवाम से मुलाकात, आवाम की रहनुमाई करने मजलिसी कारकुनों को हिदायत। कांग्रेस और बीआरएस का एक ही डीएनए है, कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात से मुंह फेर गई है, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।